दोस्तों, रतन टाटा जी एक ऐसे नेक और महान इंसान जिनके जीवन का मुख्य उद्देश्य देश के लोगों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना तथा मानवता का विकास करना है। रतन टाटा जी हमारे देश के कुछ एक सबसे सम्मानित व्यक्तियों में से एक हैं। उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण जैसे अनेकों अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। उनके द्वारा कही गई बातें संपूर्ण भारतवर्ष में सफलता प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों के द्वारा पूरी शिद्दत के साथ स्वीकार की जाती है। आज मैं आपको रतन टाटा जी की कही तीन ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा जिसे जानकर, जिसे फॉलो करके कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में बदलाव कर सक्सेस को अचीव कर सकता है। पहली बात जो रतन टाटा जी कहते हैं वो है कि लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन उसकी खुद की जंग उसे नष्ट कर देती है। वैसे ही कोई और नहीं बल्कि खुद की सोच और मानसिकता ही इंसान को बर्बाद कर देती है। ये सच है कि हर व्यक्ति बड़ा बनना चाहता है, धनवान और सक्सेसफुल होना चाहता है, परंतु उसके लिए उतनी कोशिश, मेहनत और संघर्ष नहीं करना चाहते। सिर्फ चाहने से और सपने देखने से ही यदि कोई अमीर होता तो आज हर कोई अमीर और सक्सेसफुल होता। हर एक इंसान के अंदर इतनी क्षमता होती है कि वो अपने जीवन में बड़े से बड़े मुकाम को हासिल कर सकता है, परंतु अधिकांश लोग खुद को अंडर एस्टिमेट करते हैं और या तो फेलियर के डर से कोई रिस्क नहीं ले पाते या फिर उनके आरामदायक जीवन में कोई बाधा न उत्पन्न हो जाए इसके लिए वे अपने कंफर्ट जोन में ही कैद रह जाते हैं या फिर चल रहा है चलने दो जैसी सोच के कारण अपने लाइफ में स्टक हो जाते हैं। यही कारण है कि अधिकतर लोग अपनी क्षमता, अपने पोटेंशियल का इस्तेमाल किए बिना छोटे मोटे कार्यों में ही अपने जीवन को यूं व्यर्थ गंवा देते हैं। दोस्तों, याद रखना, पैर की मोच और छोटी सोच इंसान को जिंदगी में कभी आगे बढ़ने नहीं देती। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। जैसा तुम सोचोगे वैसा ही बन जाओगे। खुद को निर्बल मानोगे तो निर्बल बन जाओगे और सबल मानोगे तो सबल बन जाओगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो रतन टाटा जी ने कहा है वो है कि पेड़ काटने से पूर्व कुल्हाड़ी की धार देखने की आवश्यकता होती है। इसलिए जब 8 घंटे में पेड़ काटना हो तो 6 घंटे कुल्हाड़ी की धार तेज करने में लगाएं। इससे सफलता प्राप्त होने के अवसर कई गुना बढ़ जाते हैं। दोस्तों, आप इस बात से एग्री करोगे कि आजकल अधिकतर नौजवान अपने किसी एक आइडिया पर ज़्यादा देर तक नहीं टिकते। उनका लक्ष्य, उनकी प्रायोरिटी फ्रिक्वेंटली चेंज होते रहता है। कभी वे इंजीनियर बनना चाहते हैं तो कभी एक्टर, कभी एक क्रिकेटर बनना चाहते हैं तो कभी सिंगर, कभी एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं तो कभी एक एंटरप्रेन्योर, तो कभी एक यूट्यूबर बनने का ख्याल उन पर हावी हो जाता है। इससे क्या होता है कि उनका सारा फोकस और एनर्जी डिवाइडेड हो जाता है और कोई रिजल्ट प्राप्त नहीं होता। आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, सबसे पहले ये डिसाइड तो करना ही पड़ेगा। एक बार जब आपने अपना गोल, अपना लक्ष्य डिसाइड कर लिया, फिर उससे रिलेटेड नॉलेज इकट्ठा करें, जरूरी स्किल व हुनर को सीखें। आप उस फील्ड के बारे में इतना नॉलेज इकट्ठा कर लें, अपने हुनर की धार को इतना तेज कर लें कि कोई भी बाधा व मुश्किलें आपके सामने टिक न सके। अपनी पूरी एनर्जी, फोकस, नॉलेज और स्किल को सिर्फ उस एक डायरेक्शन में लगा दें जो आपके लक्ष्य तक जाते हैं। आप इसमें अपना जी जान झोंक दें, फिर सक्सेस को अचीव करने से आपको कोई भी रोक नहीं सकता। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को जियो, अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, नसों, शरीर के हर हिस्से को उस विचार में डूब जाने दो और बाकी सभी विचार को किनारे रख दो। यही सफल होने का तरीका है। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात जो रतन टाटा जी कहते हैं वो है कि आगे बढ़ने के लिए जीवन में उतार चढ़ाव जरूरी है, क्योंकि ECG में भी एक सीधी लाइन का मतलब होता है कि हम जिंदा नहीं हैं। दोस्तों, जब तक कोई व्यक्ति असफलताओं से, मुश्किलों से, चुनौतियों से डरता रहेगा तब तक वह सक्सेस को हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि दुनिया के जितने भी सफल और महान इंसान हुए हैं उन सभी ने अपने जीवन में कभी न कभी असफलता का स्वाद जरूर चखा है। जब आप अपने लक्ष्य, अपने सपने को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो रास्ते में मुश्किलें व चुनौतियाँ आती ही हैं। आपको उसका डटकर मुकाबला करते हुए हमेशा आगे बढ़ने की ज़रूरत होती है। ये फेलियर, मुश्किलें और चुनौतियाँ ही आपको और अनुभवी, सक्षम और मजबूत बनाते हैं। दोस्तों, खुदा ने वादा नहीं किया कि आसमान हमेशा नीला ही रहेगा, जिंदगी भर फूलों से भरी राहें मिलेंगी। खुदा ने वादा नहीं किया कि सूरज है तो बादल नहीं होंगे, सुकून है तो दर्द नहीं होगा। मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है, ख्वाबों के पर्दे निगाहों से हटाती है। हौसला मत हार, गिरकर वो मुसाफिर ठोकरे इंसान को चलना सिखाती है। चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिलेगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो।
और जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना यूं ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।